15 जी, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैंने एक कम्प्लेन करनी थी। मेरे ना फादर मिल नहीं रहे, वो सुबह कहीं उठते हैं तो बाहर चले गए ना, कपड़े रात को किन कलर के पहने थे, उनको ना डिमेंशिया है। ठीक है, पुलिस रब्ता करती है। थैंक यू। सुबह 9:58 पर एमरजेंसी 15 पर लाहौर के इलाके से खातून शहरी की कॉल मौसूल हुई कि उनके वालिद घर से बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए, लापता हो गए हैं। एमरजेंसी 15 सेंटर ने गुमशुदा शख्स की मालूमात और तस्वीर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट और मेरा प्यारा ऐप से शेयर की। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट्स पर लापता शख्स ढूंढने की मुहिम शुरू की। अस्सलाम वालेकुम 15, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर, यहाँ पे एक बुजुर्ग है बाबा जी, वो इस टाइम अपनी होश में नहीं है, रोड के दरमियान चल रहे थे तो उन्हें साइड पे बिठाया, तो अपने किसी घर वाले का नहीं पता। किस जगह से बात कर रहे हैं आप? पीरों का साफ है नहर के ऊपर, ये ICCTV का कैमरा है, इसके नीचे खड़ा हूँ मैं, वैसे राहगीर हूँ, तो अभी इधर बिठा दूँ, पुलिस आ जाएगी। जी जी, पुलिस आ जाएगी। क्या ये अपना नाम बता सकते हैं? इनका नाम है सदीक। उम्र क्या है इनकी? कोई है 70-75 साल के। ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ पुलिस। सेफ सिटी ऑफिसर ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से फॉरन कॉलर और मिलने वाले बुजुर्ग शहरी को लाइव ट्रैक किया, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर असल फुटेज देख रहे हैं। सेफ सिटी ऑफिसर ने फॉरन पुलिस डिस्पैच कराते हुए बुजुर्ग शहरी को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब सेफ सिटीज में कायम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने लापता होने वाले मुअम्मल शहरी और रेस्क्यू किए गए सिद्दीक नामी बाबा जी का जब डाटा मैच किया तो वो एमरजेंसी 15 पर सुबह गुमशुदगी की इत्तला देने वाली खातून के वालिद निकले। पुलिस ने अहले खाना से राबता करके सिद्दीक नामी शहरी को फैमिली से मिलवा दिया। आपने 15 पे कॉल की थी कि आपके वालिद साहब सुबह 8 से गायब थे, वालिद साहब मिल गए आपको, खैरियत से हैं वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपनी पुलिस का, जिन्होंने मेरे वालिद को ढूंढ दिया। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट अब तक 5,000 से जायद गुमशुदा बच्चों, खवातीन और मुअम्मर अफराद को अपनों से मिलवा चुका है। शहरी गुमशुदा अफराद और अमलाक की गुमशुदगी और मिलने की इत्तला फौरन एमरजेंसी 15 पर दें।